अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो और गाइस क्या हाल चाल। तो भाई आज की वीडियो बड़ी खतरनाक से होने वाली है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि भाई आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे ऐसे अतरंगी ग्रेनेड दिखने वाले हैं ना, जो कि देख के आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। अब यहाँ पे अपन उतरते तो है काफी सारे बंदों की उम्मीद में, और जैसे ही काफी सारे बंदे आते भी हैं, लिटरली यहाँ पे आ जाती है चार चार स्क्वाड्स हमें ले गए। तो भाई इन चार स्क्वाड्स का खात्मा करना तो बनता था। तो पहली स्क्वाड का खात्मा करने के लिए अपन आगे की तरफ चले जाते हैं, और एक को तो निपटा दिया जाता है, और फिर इस साइड वाली बिल्डिंग से ना उंगली करता है। तो देते हैं वैसे डोज। तो भाई इसको क्या ही प्यारा M762 का स्प्रे मारा यार, बहुत दिनों बाद चलाई है गन, क्योंकि भाई इसका रिकॉल इतना ज्यादा होता है कि चला नहीं आती, बट पता नहीं आज आयरन साइड से क्या बढ़िया चलाई है। अब यहाँ पे सामने वाली बिल्डिंग में फुट आता है तो मैं एक ग्रेनेड करता हूँ, लेकिन मैं दूसरा ग्रेनेड भी फिर उधर इसलिए करता हूँ कि मेरे को पहले ग्रेनेड से वो डैमेज तो हुआ ही होगा, और वो अभी भी यही था। तो भाई देखो ये मारा जाता है, और ये था हमारा टॉप आरपी का प्लेयर, तो भाई इसे तो अपन ने इजीली मार दिया। अब इसे मारने के बाद अपन दूसरी जगह रश कर देते हैं, और मैं इधर जैसे ही आता हूँ सामने वाली बिल्डिंग का फोटो आता है। पहले तो मेरे को आता है कि वो छत पर चढ़ा है, लेकिन नहीं, फिर वो अंदर की तरह होता है। तो देखो ना कैसे मारते हैं ये भाई, लिटरली रो दिया होगा इसको, लगा होगा भाई ये कहाँ से मार दिया, हैकर वैकर तो नहीं है। अब इसके टीममेट को देखना भाई, इन दोनों के साथ क्या ही खतरनाक स्कैम करा है मैंने, क्या प्यारा मारा है ना। अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करना एंड कमेंट करके जरूर से बताना मेरे को। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं किल चोरी करने आता हूँ बताने किसी का, और भाई कर भी ले रहा हूँ, 7 गोली थी मेरी डीपी में। फिर अपन आगे की साइड जाते ही है कि भाई फुट से आ रहे थे, चारों तरफ बंदे फैले होते, बट ये होगा ये नहीं सोचा था। लेकिन अपने टीममेट को क्या ही सेक्सी कवर दिया है, क्या आपका भी कोई ऐसा टीममेट है जो आपको सेक्सी कवर देता है, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर से शेयर करना। अब इतने सारे बंदे थे कि भाई हर जगह अपन रश कर कर के मार रहे थे, घुस घुस के मार रहे थे, तो वैसे यहाँ पे भी दिखते हैं बंदे, देखो फिर। अब यहाँ पे एक बंदे को नॉक तो कर दिया, मेरे पास एमो नहीं था, डीवीएस लेके मैं चाहता घुस सकता था, लेकिन जब मौली है देन क्यों ही घुसना। अब यहाँ पे इनका जो 30 सेंटीमीटर, उसको मेरे टीममेट मार दिया, दो तो इनके बंदे मैंने मार दिया, एक मौली से जली गया था आप देख सकते हो। तो भाई इजीली आप तुम्हारे मैंने 1v2 कर दिया, और यहाँ पे इनकी ट्राई हुआ खात्मा हो गया। फिर मैं आगे जा ही रहा था कि और बंदे क्लियर करूँ, लेकिन भाई अभी देखना क्या होता है, मैं मेरा ध्यान जा रहा है पीछे की तरफ। फिर ये बंदे को देखो, ये बंदा ना पूरी चौड़ में मेरे ऊपर ग्रेनेड फेंक रहा था भाई, मतलब भाई को डर ही नहीं है मेरे से, इतना खौफ फ्री हो गया भाई तो, लेकिन मैं ऐसे नहीं छटूंगा, ये तो तुम्हें पता ही है। अब इसका एक टीममेट भी था जो इसको नीचे रिवाइव देने आया था, तो देखो फिर इसको मैं फटाफट से फिनिश कर देता हूँ मैं, और भाई इसके टीममेट का तो अलग गिस कैम हो गया, और देखो कितना प्यारा फिनिश करा, और फटाफट से मैं यहाँ से हील करके आगे तरफ जाता हूँ। अब यहाँ पे मेरे साथ बहुत गंदा कैंपर्स के साथ कैंपर्स का स्कैम होने वाला है। इस बंदे को अगर मैंने नहीं मारा ना तो भाई आप लोग सब्सक्राइब मत करना, लेकिन मार दिया तो सब्सक्राइब लाइक शेयर सब कर देना, पैस की टैंक बदला ही मोर इम्पोर्टेंट। रूम में भाई हो चुके थे नॉक, में मौली करके रिवाइव देता हूँ जिससे लोग रश ना करें, और फिर जैसे ही रिवाइव देता हूँ फिर देखो। तीन बंदे नॉक कर दिए, और भाई जो आखिरी बंदा था ना इनका, उसकी पूरी फटके चार रखी थी, तो भाई देखो इसको अगर मार पाते या नहीं। अगर तीन बंदों में से तो मैं फिनिश कर दूं, क्या पता क्या हो जाए, है कि नहीं। तो मैं इनके आखिरी बंदे नीचे कूद गया उसे मारने के लिए, रश कर देता हूं, ठीक है, तो मार दे उसे भी, उसकी लिटरली फटी पड़ी है यार, देखो बस तुम। तो भाई से क्या ही मारता करो, अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना यार। फिर हम लोग को फाइनली एक गाड़ी मिलती है, और अपन जोन के बाहर से आते ही है कि अपने को यहाँ पे बंदे दिख जाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं हील करके इन्हें मारेंगे, और भाई देखो इनके साथ क्या होता है। अब लिटरली इनके तीन बंदे अपने नॉक कर दिए थे, दो हमारे रूम में, एक मैंने, और भाई फिर होता है अंधा रश, और एक को मैं जाते जाते फिनिश मार रहा हूँ फटाक से, और भाई अब हमें इतना बता दे ज्यादा से ज्यादा एक बंदा ही रिवाइव हो पाएगा, क्योंकि एक को तो मैंने फिनिश कर ही दिया है, एक नॉक पड़ा हुआ है, दो बंदे बच रहे हैं जिसमें से एक रिवाइव हो गया होगा। तो भाई अभी ने थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स लाए मारते, जब ये स्पाइडर वाला है ही अपने पास, तो
अब यहाँ पे मैं M4 से भी मार सकता था, लेकिन तब भी पता नहीं क्या चौड़ चढ़ी थी कि DBS से मारूंगा, और भाई को तो मजा दिला दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो तुम कैसे अपने टीममेट को कवर दे सकते हो। अभी अब मेरे को पता नहीं था खेल मिलेगा नहीं, बट कवर देखो बस क्या ही प्यारा कवर था। इसके आगे उसको कोई मार जाता मैं मान जाता उसे। अब अपन यहाँ पे जाते हैं जोन में। अब देखो सिर्फ गिनती के 4 बंदे बच रहे थे, तो भाई 20 किल के साथ में आराम से चिकन निकाल सकता था। बट अभी यहाँ पे जो होने वाला है इस मैच में, जैसे कि आप देख रहे हो कि काफी ज्यादा कैंपर देखने को मिल रहे हैं, तो भाई देखो यार अभी यहाँ पे मेरे को 2 बंदे तो यहाँ पे स्पॉट हो जाते हैं, तो मेरे को लगता है शायद से ये लोग हो रहे होंगे जो जोन में आ रहे होंगे और अपने को दिख गए हैं। देख के मैं आप देता हूँ, तुम्हें यहाँ तक तो सब बढ़िया लग रहा होगा, बट अब देखो क्या होता है, बहुत बुरा होता है। ये पता नहीं ये कैंपर बंदा कहाँ से फ्लैंक देके आ रहा होता है और मेरे को पीछे से मार दिया। अब यहाँ पे इस रोमियो भाई का देख रहे हैं भाई, यहाँ पे मैंने उसको अच्छे से कॉल दे रखी थी कि भाई तू डायरेक्ट उसको घुस के मार दे तभी मैं बच सकता हूँ, लेकिन नहीं भाई को तो यहीं पे गाड़ी रोकनी थी जहाँ पे बंदा ग्रेन मॉली कर सकता है, राइट से बंदे से पढ़ सकती है। आई डोंट नो भाई मेरी बात क्यों नहीं सुनी भाई, मैं लेटर मार भी दे दिया था कि वहाँ पे अगर जाके इसने गाड़ी ठोक दी होती तो ये मारता या मरता, क्योंकि ऐसे तो हम दोनों ही मरे, कम से कम तब चांसेस थे कि अपन बच सकते हैं, बट भाई को तो अपना IQ लगाना है। खैर छोड़ो आप क्या ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी।